पाकिस्तानी टीम का दौरा इंग्लैंड का ऐलान। इसी साल जुलाई के महीने में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम टूर करेगी इंग्लैंड का। वहां पर पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। कौमी टीम के चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए कौमी टीम के 18 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। तो कौन से 18 खिलाड़ी हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नीचे सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि आप दोस्तों को पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज की मुकम्मल लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले मिलती रहे। अगर हम दौरा इंग्लैंड के लिए 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 18 खिलाड़ियों की बात करें तो 3 ओपनर बैट्समैन रखे गए हैं। पहले नंबर पर शर्जील खान, दूसरे नंबर पर बाबर आजम और तीसरे नंबर पर हैदर अली का नाम आता है। कौमी टीम के अगर हम मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों की बात करें तो चौथे नंबर पर प्रोफेसर मोहम्मद हफीज, पाँचवें नंबर पर दानिश अजीज और छठे नंबर पर हार्ड हिटर बैट्समैन आसिफ अली को रखा गया है। विकेट कीपर की बात की जाए तो 7वें नंबर पर सरफराज अहमद और 8वें नंबर पर मोहम्मद रिजवान, ये 2 विकेट कीपर बैट्समैन होंगे। दौरे इंग्लैंड के लिए अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्पिनर की बात करें तो 3 स्पिनर रखे गए हैं। 9वें नंबर पर मोहम्मद नवाज, 10वें नंबर पर शादाब खान और 11वें नंबर पर उस्मान कादर का नाम आता है। ऑलराउंडर में 12वें नंबर पर फहीम अशरफ का नाम आता है। 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलरों की बात करें तो 13वें नंबर पर हसन अली, 14वें नंबर पर शहनशाह अफरीदी, 15वें नंबर पर हारिस रऊफ, 16वें नंबर पर मोहम्मद वसीम, 17वें नंबर पर अरशद इकबाल और 11वें नंबर पर मोहम्मद हसनैन का नाम आता है। दोस्तों आपको क्या लगता है ये सीरीज कौन सी टीम जीतेगी, पाकिस्तान या इंग्लैंड? नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करें। शुक्रिया।